लेने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमेशा गरीब रहता है और देने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हमेशा अमीर। इसलिए लेने की इच्छा नहीं, देने की इच्छा रखो। राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए ये मई का महीना कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए महीने की शुरुआत लाभकारी रहेगी। विद्यार्थियों को मनचाही सफलता मिलने से चेहरे पर खुशी झलकेगी। आलस्य का अंत होगा। 1 से 4 तारीख का समय आर्थिक स्थिति मजबूत करने वाला सिद्ध होगा। यात्रा का योग भी बन सकता है। 5 से 7 तारीख का समय मानसिक चिंता देने वाला साबित होगा। फालतू के कार्यों में समय व्यतीत होगा। 8 से 12 तारीख का समय शुभ रहेगा। परिस्थितियों में सुधार आने से चिंताएं दूर होंगी। राजकीय कार्यों में सफलता मिलेगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। कारोबार को बढ़ाने के लिए ये तिथियां शुभ रहेंगी। 13 व 14 तारीख को काम बनने शुरू होंगे। अतिथियों का आना जाना लगा रहेगा। सेहत उत्तम रहेगी। 15 से 19 तारीख का समय निराशावादी परिणाम देने वाला रहेगा। अधिक धन लाभ के चक्कर में कहीं भी पैसा खर्च न करें, वरना हानि उठानी पड़ सकती है। 20 से 23 तारीख का समय अपार सुख देने वाला होगा। परीक्षाओं व प्रतियोगिताओं में सफल रहेंगे। परिवार में किसी शिशु का जन्म होने से खुशी का माहौल रहेगा। 24 से 28 तारीख का समय आर्थिक परेशानियां देने वाला रहेगा। किसी गलत व्यक्ति की संगत से आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। 19 से 31 तारीख का समय राजकीय कार्यों में सफलता दिलाने वाला सिद्ध होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। पैसा, भौतिक सुख सुविधा व दान पुण्य आदि शुभ कर्मों पर व्यय होगा। परिवार में खुशहाली रहेगी। मई का यह महीना आप सबके लिए मंगलमय व कल्याणकारी हो, यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया कमजोर कर देने पर तुली हो। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।